हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल नव आगाज़ आई एम अनुराधा पटेल एम बी बी एस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ जेएमसी एम सी बेतिया आई विल बी टॉकिंग अबाउट द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स जैसा कि आप सबको पता होगा ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इससे हर साल एक या दो, दो क्वेश्चन आते ही हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को तो चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने इसको नौ पार्ट्स में डिवाइड करा है ठीक है तो देखिए पहला पार्ट क्या है इंट्रोडक्शन देन रेट ऑफ रिएक्शन उसके बाद हम पढ़ेंगे रेट लॉ देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर रिएक्शन मेकानिज़म देन मोलिकुलारिटी फिर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस जैसे कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इनकी डिटेल स्टडी करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ़ रिएक्शन ठीक है तो चलिए फिर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन में पहले हम ये जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या ठीक है तो केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं रिएक्शन की और आ, कौन कौन से फैक्टर्स उस रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं उसकी मेकानिज़म ये सब स्टडी करते हैं ठीक है तो इंट्रोडक्शन में ये बात होगी उसके बाद इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड कि मतलब किस स्पीड से वो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है उसके बेसिस पे हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा है ठीक है तो चलिए देखिए तीन कैटेगरी कौन कौन सी है वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन देन वेरी स्लो रिएक्शन उसके बाद है मॉडरेट और स्लो रिएक्शन ठीक है तो देखिए तो पहली कैटेगरी क्या है वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन इन रिएक्शन में क्या होता है ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट कम्प्लीट होती हैं कम्प्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ठीक है second, इनके कम्प्लीशन में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगते हैं बस और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है रेट कैन नॉट बी मेज़र्ड इनका रेट हम मेज़र नहीं कर सकते हैं और क्या है आयनिक स्पीशीज़ इनमें पार्टिसिपेट करती हैं ठीक है थीके? तो वही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है आयन स्पीशीज पार्टिसिपेट करेंगे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में जैसे कि देखिए ए जी एन ओ थ्री प्लस एन ए सी एल इज़ गिविंग राइज टू ए जी सी एल विच इज़ वाइट पी पी टी एंड एन ए एन ओ थ्री ओके उसके बाद देखिए दूसरी कैटेगरी क्या है हमारी वेरी स्लो रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होता है दीज रियाक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली ठीक है इनके कंप्लीशन में डेज मंथ्स और ईयर्स तक लग सकते हैं ओके okay? और इनका रेट भी हम मेज़र नहीं कर सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन ओके तो इन दोनों में हमने क्या एक कॉमन बात क्या देखी कि इन दोनों रिएक्शंस का रेट हम मेज़र नहीं कर सकते हैं उसके बाद आते हैं थर्ड थर्ड कैटेगरी पे क्या है मॉडरेट या स्लो रिएक्शन ठीक है तो इन रिया ये रिएक्शन कैसी होती हैं दे आर नीदर टू फास्ट नॉर टू स्लो ओके और इनका रेट हम मेज़र कर सकते हैं रेट कैन बी मेज़र्ड और क्या होता है मॉलिकुलर रिएक्शंस आर जनरली मॉडरेट रिएक्शन मतलब इनमें क्या होता है इन टाइप ऑफ रिएक्शंस में मोलिकुलर स्पीशीज़ पार्टिसिपेट करती हैं ओके okay? तो एक एग्जांपल देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ एच टू ओ टू जैसे एच टू ओ टू का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो क्या होगा इसमें एच टू ओ टू डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन में ये टूटेगा ठीक है आप बैलेंस करके देख लेना ओके okay? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग